हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक आ गए ना? चलिए, हम भी एकदम बेहतर हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर जो है हमारा 11th क्लास का यूनिट एंड डायमेंशन, उसका ये दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। ओके, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे फिजिकल क्वांटिटी के क्या होता है, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन था बस। जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा और आप जानते जाएंगे। आज हम बात करने वाला सिस्टम ऑफ यूनिट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए, सो देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट। लगता है आज मेरा मार्कर खाना नहीं खाया है ना? कोई बात नहीं। सिस्टम ऑफ यूनिट में कह रहा है क्या कि जो यूनिट होता है हमारा मेजरमेंट में, जो हम लोग फिजिकल मेजरमेंट करते हैं तो लास्ट में जो यूनिट लिखते हैं, वो यूनिट में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, क्या क्या उसका पैरामीटर होना चाहिए जो सेटिस्फाई होगा तभी वो यूनिट को काम में लिया आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड के यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं के बारे में सिस्टम ऑफ यूनिट में डिस्कस किया जाता है। चलिए देखिए ध्यान से, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में कह रहा है कि आपका जो यूनिट होना चाहिए है ना, वो सबसे पहले बढ़िया साइज का होना चाहिए। कह रहा है कि यूनिट ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको यहां से दिल्ली का डिस्टेंस बताना है और यूनिट है सेंटीमीटर में, तो सोचिए कितना सारा सेंटीमीटर हो जाएगा, 1260 किलोमीटर, 000 मीटर हो गया फिर सेंटीमीटर। अगर ऐसा साइज का यूनिट मिल जाए तो मालूम चला कि इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, तो इकाई दहाई करते रह जाइएगा आप इसका, है ना? इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, है ना? डिस्टेंस क्या मापिएगा आप, डिस्टेंस को फील क्या कीजिएगा आप, तो इकाई दहाई करते रह जाइएगा। तो पहला कह रहा है क्या चीज कि सिस्टम को जो साइज होना चाहिए वो बढ़िया होना चाहिए ना। क्या कह रहा है पहला रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ यूनिट है ना, शुड बी प्रॉपर, पहला बात बोल रहा है। दूसरा बात कह रहा है कि यूनिट है ना, शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेट का स्पेलिंग क्या होगा? ACCURATE, एक्यूरेटली डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, ई छूट गया। कह रहा है इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि फिजिकल कंडीशन पर वो वेरी नहीं करना चाहिए ना, एंड शुड नॉट वेरी, शुड नॉट वेरी है ना, विथ फिजिकल कंडीशन। ओके, इतने सारे एक रिक्वायरमेंट है, इतने सारे रिक्वायरमेंट है किसी भी यूनिट को एक्सेप्ट करने के लिए। कभी भी आप कोई चीज यूनिट यूज कर रहे हैं तो वो यूनिट जिसने अप्रूव किया होगा कि हाँ भाई इस यूनिट को यूज किया जा सकता है, उसने ये सारे कंडीशंस को चेक किया होगा कि कोई यूनिट इतना कंडीशन फुलफिल करता है, तब उसको चलन प्रचलन में लाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कौन कौन से यूनिट है। सबसे पहला इसमें यूनिट है ना, वो है FPS यूनिट। कौन सा यूनिट? FPS यूनिट। आप लोग 9th क्लास के बेसिक्स में भी आप इसके बारे में बात किए होंगे। ठीक है, FPS यूनिट को हम लोग ब्रिटिश ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है, जिसमें लेंथ का जो यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा, लेंथ के लिए जो यूनिट होगा वो होगा क्या? फुट। समझ में आ रहा है? जो मास के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा क्या? पाउंड। ओके, फुट होगा और पाउंड होगा। और जो टाइम के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या होगा? सेकंड। ये बेसिक आप लोग 9th क्लास में भी जानते होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको मालूम होना चाहिए कि भैया अगर आप 1 मीटर में कोई पूछे कितना फिट होगा आपका, तो आप बोलोगे कन्वर्जन फैक्टर में ये होगा 3 फिट, ठीक, एंड 3.37 इंच। ठीक है, ये 1 मीटर में इतना फिट और इतना इंच होगा। या फिर आपको क्या है कि 1 फिट में बताओ कितना मीटर होगा, 1 फुट में कोई पूछे कि कितना मीटर होगा, तो आप क्या बोलोगे?
ये होगा 0.305 मीटर। ये ऐसे कन्वर्जन फैक्टर है, वो आपको पता होना चाहिए। इस एफपीएस सिस्टम के बाद आपके पास है सीजीएस यूनिट। ठीक है, इस सीजीएस यूनिट को हम लोग गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। और इस यूनिट के जो इस यूनिट को जो प्रपोज किए थे वो थे फ्रेडरिक गॉस, और वो प्रपोज किए थे इसको 1832 ईस्वी में पहली बार, इसलिए इसको आप लोग गॉसियन सिस्टम भी कह रहे हैं। इसमें नाम से स्पष्ट है सी जी एस, मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। इसमें जो लेंथ होगा उसको एक्सप्रेस किया जाए किससे, सेंटीमीटर से। ठीक, जो आपका मास होगा उसको एक्सप्रेस किया जाए किसमें, बोलिए, ग्राम में। और जो टाइम होगा उसको एक्सप्रेस किया जाएगा किसमें, सेकेंड में। समझ आ रहा है? ये यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1832 ईस्वी में फ्रेडरिक गॉस के द्वारा किया गया था, बट उस समय प्रचलन में नहीं आया था। ये बाद में प्रचलन में आया 1873 ईस्वी में, जेसी मैक्सवेल के रिकमेंडेशन पर। चलिए, सीजीएस यूनिट के बाद एक और है नेक्स्ट हमारे पास। ये जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है इस बारे में, है ना, एमकेएस यूनिट। ठीक, एमकेएस यूनिट जो था वो प्रचलन में आया 1889 ईस्वी में, है ना। थोड़ा सा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है। इसमें मास सॉरी हाँ लेंथ को एक्सप्रेस किया जाएगा इसमें, एम मतलब बोले तो क्या, मीटर। ठीक है, अच्छा, के मतलब मास का यूनिट होगा किलोग्राम, तो मास का यूनिट होगा इसमें क्या, किलोग्राम। और टाइम का यूनिट क्या इस्तेमाल किया जाएगा, टाइम का यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा सेकंड। करेक्ट है। इस एम के एस यूनिट को ध्यान रखिएगा, ये तो हमको मालूम चल गया। इस एम के एस यूनिट को और इस सी जी एस यूनिट को हम लोग मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं इसको डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं। इसको मैट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम इसलिए कहा जाता है बाबू, क्योंकि इस यूनिट में क्या होता है कि इसको टेंस की पावर, 10 की पावर के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग मैट्रिक सिस्टम या फिर डेसिमल सिस्टम कहते हैं। बट इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट, इस कारण से। तो इसको आप एक बार नोट कीजिए, हम बोर्ड को साफ करते हैं, फिर हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए स्टूडेंट्स, अगला है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट बोल रहे हैं इसको। अब देखिए, कहानी ये था कि इतने सारे हमारे पास यूनिट बन चुके थे इस समय तक, लगभग 1960 ईस्वी के आसपास तक इतने नंबर ऑफ यूनिट बन चुके थे। एमकेएस यूनिट बन गया था, एफपीएस यूनिट बन गया, सीजीएस यूनिट बन गया। और आप देखिए ध्यान से कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन कितना मुश्किल है। कोई आपसे कुछ पूछ दे कि बताओ 3 फीट में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आपको ये कन्वर्ट करना ही बड़ा मुश्किल काम होगा। पहले सेंटीमीटर फीट को जाना पड़ेगा, पहले मीटर वाले रेंज में, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, इससे होता क्या था कि इतने सारे सिस्टम ऑफ यूनिट थे और अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट इस्तेमाल होता था। अब कहानी ये था कि एक कंट्री का कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ डेरिवेशन किया अपना, है ना, कोई कैलकुलेशन किया, फिर दूसरे कंट्री का एक साइंटिस्ट है, उसने अपने ही यूनिट में कुछ कैलकुलेशन किया। अब अगर वो दोनों साइंटिस्ट आपस में कोलैब करके कोई नया थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, तो उनका थ्योरी और इनके थ्योरी को मर्ज करने में लोग की हालत ख़राब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें सेवरल यूनिट कन्वर्जन आते थे। वो अपना सेंटीमीटर में काम कर रखा है, वो अपना फुट में काम कर रखा है। अब मालूम चला कि फुट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है उतने सारे डेरिवेशन में, ये सेंटीमीटर वाले को फुट में कन्वर्ट करना है। अब कहानी ये है कि इतना जंबल हो जा रहा है कि वो दोनों आपस में कोलैब करके थ्योरी डेवलप करने में उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, नया नया साइंटिफिक एडवांसमेंट करने में दिक्कत आ रहा है। करेक्ट। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कि जैसे आप अभी भी इस चीज़ को फेस करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लिपकार्ट से जूता ऑर्डर करते हैं, अपने लिए शूज ऑर्डर करते हैं, देखते हैं उसमें कुछ यूके साइज, यूएस साइज, पता नहीं क्या क्या, हमको तो खुद समझ में नहीं आता है क्या क्या लिखा हुआ है। फिर कन्वर्जन चार्ट देखना पड़ता है हमको, तब समझ में आता है। उससे क्या होता था कि एक तो साइंटिस्ट लोग को आपस में कोलैब करके साइंटिफिक एडवांसमेंट करने में दिक्कत आता था, दूसरा बात
कि मार्केटिंग जो होता था हमारा, जो आपका ट्रेड है, उस ट्रेड में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी, क्योंकि कहीं कहीं चीज़ें पाउंड में होती थी, कहीं कहीं केजी में होती थी, कहीं कहीं ग्राम में होती थी, है ना। तो ये सब कुछ कुछ समस्याएं थी जिससे आपको टेक्निकल एडवांसमेंट में भी दिक्कत था, ट्रेडिंग में भी दिक्कत था। तो इतने सारे समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए लोग सोचा कि कोई तो ऐसा एक यूनिट होना चाहिए कि जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मान्य हो, ताकि ये सब यूनिट कन्वर्जन में हमको समस्या ना आए। तो इसके लिए एक बॉडी थी CGPM, ओके। उसने उसका इंग्लिश इंग्लिश फुल फॉर्म है, और ये फ्रेंड्स आप कह सकते हैं एब्रीविएशन है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट। इसने 1960 ईस्वी में फ्रांस के एक सेवरे नामक जगह पर 11वां महासम्मेलन बुलाया, जिसमें ये बात डिसाइड किया गया कि पक्का पूरे देश में एक ही यूनिट होना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि इसी तरह से हम टेक्निकल एडवांसमेंट में पीछे रह जाएंगे, और हम लोग को कंट्री और या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट आगे प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा। तो उसने डिसाइड किया कि एक ही यूनिट होना चाहिए, और उस समय एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप किया गया जिसको नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। ये 1960 ईस्वी में बना था। उस समय इस यूनिट में से छः क्वांटिटी ऐसे थे जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट किया गया था। वो छः कौन कौन से थे? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, बस इतना था। उसके बाद जब से जैसे आपका केमिस्ट्री एडवांस होता गया, उसके बाद उसमें मोल को एज अ सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें इंक्लूड किया गया। अंडरस्टैंडिंग? तो अभी के हिसाब से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में टोटल 7 क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर रखा गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट किया गया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है इसमें लेंथ, ठीक। उसके बाद है आपका मास। लेंथ का यूनिट क्या होगा? इधर हम SI यूनिट लिख रहे हैं, SI यूनिट, और इधर क्वांटिटी लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ का यूनिट क्या रखा गया? मीटर में, सिस्टम में, SI सिस्टम में इसका क्या रखा गया? मीटर। मास को रखा गया, यस बताइए क्या है? किलोग्राम, ठीक। फिर से और कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, भैया हाँ टाइम, टाइम का हो गया सबका सेकंड, ठीक। इसके बाद था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट रखा गया क्या? एम्पियर, ठीक है। इसके बाद हमारा टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर का रखा गया यूनिट केल्विन, जिसको के से इंडिकेट किया जाएगा, राइट। अच्छा, एब्रिविएशन में लिख लीजिए, मीटर था इसको छोटा एम से, किलोग्राम था इसको छोटा की, छोटा के और की कह रहे हैं, और जी, ऐसा नहीं बड़ा के एम नहीं लिखना है, इसको छोटा के लिखना है। सेकंड का आप जानते ही हैं छोटा एस, एम्पियर का कैपिटल ए, केल्विन का कैपिटल की के, सॉरी। इसके बाद है आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट? लाइट, इसका यूनिट था कैंडेला, और इसको इंडिकेट किया गया CD से। और सबसे लास्ट जो था, जो बाद में ऐड हुआ था, 1970 ईस्वी में 14वां सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको ऐड किया गया था, और वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये क्या था? इसका यूनिट क्या रखा गया? आपको मालूम है, मोल, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थे, है ना। आप लिख सकते हैं दीज आर दी 7 फंडामेंटल, है ना, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन SI सिस्टम, ठीक है। अब सवाल उठता है, इसका नाम सर SI क्यों रखा गया है, जबकि यहाँ पर तो लिखा हुआ है आई इंटरनेशनल सिस्टम, ने तो IS यूनिट होना चाहिए था। तो असल में इसमें जितने भी एब्रीविएशन बनाए गए हैं, वो सब फ्रेंच नेम के आधार पर बनाए गए हैं, ठीक है। अब जैसे इसको इसको फ्रेंच में इसका नाम था ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, प्रोनाउंस आप करेंगे हम नहीं करेंगे, हमको आता भी नहीं है ना, SYSTEME ऐसा करके, पता नहीं इस ई के ऊपर भी कुछ कुछ लगा हुआ है ना, इस तरह से एंटर इंटरनेशनल ऐसा करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
ये कुछ फ्रेंच में बातें लिखी गई हैं, पता नहीं क्या है, इसका अंग्रेजी रूपांतरण है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसी के आधार पर इसका एब्रिविएशन बनाया गया है SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट को हम लोग रेशनलाइज MKS यूनिट भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रेशनलाइज्ड MKS यूनिट भी कहा जाता है। इसको रेशनलाइज MKS यूनिट इसलिए कहा जाता है कि ये जो यूनिट है सिस्टम, ये कुछ नहीं बल्कि MKS सिस्टम का ही कुछ सुधारा हुआ रूप है। आपको देखिए MKS में भी इसको मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में करते थे, उसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके SI यूनिट बनाया गया, इसलिए उसको हम लोग रेशनलाइज्ड MKS यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट है कि ये पूरे विश्व लेवल पर मान्य होगा, और क्यों है ये भी आपको मालूम चल गया। आपने कॉपी में इस बात को लिखेंगे, हम आपको नोट डाउन नहीं कराए हैं, बट आप, मैंने स्टेटमेंट को रिपीट करके उसको नोट डाउन करेंगे कि क्यों सिस्टम SI सिस्टम का आवश्यकता पड़ा लोग को, क्यों पड़ा बताइए। सोचिए जरा कि जम्बेल हो जाता था, कन्वर्जन फैक्टर मुश्किल था, टेक्निकल एडवांसमेंट रुक गई थी हमारी, या फिर तेजी से नहीं बढ़ रही थी, और ट्रेडिंग में भी दिक्कत था, उस सबको सॉर्ट आउट करने के लिए सिस्टम को बनाया गया। इसके बारे में और भी बहुत सारे थ्योरी हैं जो आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं। अच्छा, इस 7 फंडामेंटल के अलावा भी दो और इसमें यूनिट इस्तेमाल किए गए थे, वो था एंगल का। सबसे पहले था इसमें सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल का कहानी था कि इसका जो यूनिट लिया गया था वो था एस्टेरेडियन, ठीक है, और एक था प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल का यूनिट था रेडियन। याद रखिएगा ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी में नहीं थे, इसको बोला गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या बोला गया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोला गया। ये फंडामेंटल यूनिट था और ये सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट था जो फिजिक्स में इन सब यूनिट का और आवश्यकता था, इसलिए साइड से और दो यूनिट इसमें प्रोवाइड किए गए थे, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, प्लेन एंगल के बारे में जानते हैं आप, क्या होता है कि कोई भी दो लाइन के बीच का जो झुकाव है वो प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं वो क्या है। देखिए मान लीजिए जैसे कोई कोन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसके ये कितना एंगल सस्टेंड कर रहा है इसके बीच में, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ओके, तो ये सब कुछ कुछ फंडामेंटल यूनिट थे जो सिस्टम ऑफ SI सिस्टम में डाले गए थे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे का टॉपिक ले रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला एक टॉपिक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आपको ये बात जानना चाहिए, है ना। SI प्रीफिक्स क्या चीज़ होता है, बुक्स वगैरह में दिया रहता है, और इसलिए नहीं पढ़ना कि बुक्स में दिया हुआ है, इसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंस भी आइए समझते हैं। चलिए, हमारे पास तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट ढेर सारे हैं, जो मर्जी करे वो यूनिट इस्तेमाल करेंगे, और फंडामेंटल आपको पता है उसमें से 7 होते हैं SI सिस्टम के हिसाब से। तो अब बताइए ज़रा, फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई पूछे, कितना खा गया जाता है भाई, आपसे कोई पूछे कि आपके हेयर का थिकनेस कितना है, हेयर थिकनेस, ठीक है, तो आपके पास तो थिकनेस मतलब ये तो एक तरह का लेंथ ही हुआ, उसको आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे कि मेरा जो हेयर है वो 0.00001 मीटर का है, इतना पतला बाल है मेरा। तो आपको क्या है कि अरे अगर आप किसी को बताओ कि मेरे बाल का मोटाई इतना है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड ही करते रह जाएगा कि दशमलव में ये कितना छोटा है, उस सुन वो जीरो जी काउंट करता रह जाएगा, है ना, उसको बाल कितना पतला होता है ये बात तो बाद में महसूस होगा, वो बस जीरो ही काउंट करता रह जाएगा, पहले जीरो काउंटिंग में ही कन्फ्यूज हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ से सन का डिस्टेंस बताओ, सन डिस्टेंस बताना है आपको, यहाँ से डिस्टेंस ऑफ सन भी लिख सकते हैं आप, तो कह रहा है वो डिस्टेंस होगा 1.500000000, अरे जीरो लगाया जा रहे हैं और लास्ट में मीटर, ठीक है, 10^11 होता है, तो अब आप जितना सारा जीरो लगाया जा रहे हैं और कह रहे हैं इतना मीटर होगा, तो अब आप इसका इकाई दहाई करते रह जाइएगा, सॉरी इकाई दहाई करते रह जाएगा, यहाँ से कितना होगा, इकाई दहाई, सैकड़ों हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, कितना दूर है ये महसूस होने से पहले तो आप जीरो काउंट करने में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा ना, आपका जो लंग लाख और महासंख जो होता है वही कम पड़ जाएंगे इसको गिनने में, है ना। तो इन समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए अब क्या
है कि अब बाल का थिकनेस मीटर में तो बता नहीं सकते हैं, बहुत इसका न्यूमेरल पार्ट क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है। उसमें देखिए इसमें भी न्यूमेरल पार्ट क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया है। यानी कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मीटर इस्तेमाल किया गया है, ये मीटर कहानी है, ये कभी कभी कोई कोई डिस्टेंस को बताते समय ये न्यूमेरल पार्ट को इतना बड़ा कर देता है ताकि आप उसको एनालाइज करने में आपको क्या हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसी न्यूमेरल पार्ट को छोटा करने के लिए लोग सोचा कि कोई ना कोई व्यवस्था होना चाहिए कि इस ऐसा यूनिट का इस्तेमाल करते समय ये न्यूमेरल पार्ट क्या रहे, छोटा रहे। ठीक है, उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लोगों ने व्यवस्था बनाया एसआई प्रीफिक्स का। ओके, प्रीफिक्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी वर्ड के आगे लगता है और उसका थोड़ा सा मीनिंग वो चेंज कर देता है। करेक्ट है, उदाहरण के लिए देखिए, अब इसी को हम लिखने जा रहे हैं, यहां पर लिखेंगे क्या, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर आपको पता है 10^-6 मीटर का एक माइक्रोमीटर होता है। अब हम लोग कहेंगे कि भैया इसको आप एक्सप्रेस कर दो किलोमीटर में, या फिर हेक्टोमीटर में, या फिर मेगामीटर में, आप इसको गीगामीटर में इसको आप एक्सप्रेस कर दो, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कभी भी मिलीमीटर में थोड़ी ना कपड़ा खरीदते हो, हमेशा किसमें कपड़ा खरीदा जाता है, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। लेकिन बाल का थिकनेस बताना होगा तो आप मीटर ना बता के माइक्रोमीटर बताएंगे। तो ये जो वर्ड लगा है ना आगे, माइक्रो, किलो, सेंटी, ये छोटे छोटे वर्ड से जो इस वर्ड मीटर वाले वर्ड के पहले आ करके उसका मीनिंग को चेंज कर दिया। पहले बेचारा मीटर हुआ करता था इतना लंबा, अब खाली एक वर्ड लग गया उसके आगे तो हिती चुकी हो गया, समझ रहे हैं ना, छोटा सा हो गया सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्या कर रहा है, इस मीटर के मीनिंग को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहे हुए हैं प्रीफिक्स। ओके, तो इसी प्रीफिक्स पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो मीटर के आगे लगेंगे और उनका साइज को कम ज्यादा करेंगे ताकि आप न्यूमिनल्स को छोटा बना रखें और उसको एनालाइज करने में आपको दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए देखते हैं इस एसआई प्रीफिक्स में कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। और समझ में आ गया कि एसआई प्रीफिक्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि कोई कोई चीज़ का लेंथ एक्सप्रेस करते समय अगर आप एसआई यूनिट, सिर्फ एसआई यूनिट का इस्तेमाल करोगे तो उसका न्यूमेरल पार्ट क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको एनालाइज करने में आपको बहुत तकलीफ होने वाला है। ओके, तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग एसआई यूनिट के पहले एक छोटा सा वर्ड मिली सेंटी डेसीमीटर इस तरह का वर्ड ऐड कर देते हैं ताकि आपका न्यूमेरल पार्ट मिनिमाइज हो सके, एनालाइज करने में आसान हो सके। ये सुनो, दैट वर्ड इज कॉल्ड द एसआई प्रीफिक्स। ओके, तो कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप एसआई प्रीफिक्स को, कोई कहे आपको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे द वर्ड है ना एडेड बिफोर एसआई यूनिट सो दैट इट्स न्यूमेरल पार्ट इज मिनिमाइज्ड। राइट, एनालिसिस सिंपल। ओके, ताकि उसका एनालिसिस क्या हो सके, सिंपल हो सके, तो ऐसा वर्ड देन सच वर्ड्स आर कॉल्ड क्या बोलिए, एसआई प्रीफिक्स। समझ में आ रहा है, आइए देखते हैं वो कौन कौन सा है। यहाँ देखिए इस साइड में बना रहे हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, योक्टो। ओके, एक प्रीफिक्स है योक्टो। ओके, इसके लिए जो आप मल्टीपल इस्तेमाल करेंगे वो होगा 10^-24 का। योक्टो के लिए कितना है, 10^-24। इसके बाद है हमारे पास जेप्टो, राइट, ये है, इसका कन्वर्जन फैक्टर है 10^-21। करेक्ट है, इसका सिंबल होगा छोटा वाई, इसका सिंबल होगा छोटा जेड। इसके बाद होता है ऑटो का है 10^-18, और इसको इस्तेमाल इंडिकेट करते हैं छोटा एस से। ऑटो के बाद है फेमटो। ओके, इट्स अ फेमटो, वो होगा 10^-15 मीटर का है, और इसका सिंबल होगा छोटा एफ। जैसे
फेमटो, जैसे फेमटोमीटर आप बोलते हैं, फेमटो के लास्ट में मीटर लगा दो तो क्या हो जाएगा, फेमटोमीटर, 10^-15। ऑटोमीटर, जेप्टोमीटर, यक्टोमीटर, बस इसके लास्ट में मीटर मीटर ऐड कर देना है ना। ओके, उस फेमटो के ऊपर में है पीको। ओके, पीको है 10^-12, छोटा पी से डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है नैनो, नैनो है 10^-9, छोटा एन से। इसके बाद है माइक्रो, ये है 10^-6 का सिंबल होगा, छोटा एम, माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल माफ़ कीजिएगा, म्यू। इसके बाद है माइक्रो, है मिली, ये है 10^-3 और इसको छोटा एम से। फिर इसके बाद है सेंटी, इसके बाद तो कविता याद किए होंगे ना आप लोग, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो, है ना, वही वाला सेंटी, वो हो जाएगा 10^-2 मीटर का, इसको छोटे सी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद मिली सेंटी के बाद होता है डेसी, ठीक, डेसी का क्या होगा, 10^-1 और ये रिप्रेजेंट किया जाएगा छोटा डी से। फिर होता है डेका, ओके, डेका का होगा 10^1 और डी ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद है हेक्टो, हेक्टो होगा 10^2, इसको एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद होगा किलो, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 10^3 से और सिंबल होगा छोटा के। किलो के बाद होगा मेगा, 10^6 होगा और इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अभी इस साइड आ रहे हैं, देखिए यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया है और इधर जा रहे हैं अब। मेगा के बाद होगा GIGA, गीगा, गीगा का होगा 10^3 और ऐड कर दो इसमें आप, ये 9 हो जाएगा और सिंबल होगा कैपिटल जी, गीगा मीटर, है ना। इसके बाद होगा, नीचे आ रहे हैं आप, गीगा के बाद होगा मेगा गीगा टेरा, है ना, 10^3 और ऐड कर दो, 12 हो जाएगा ये कैपिटल टी। इसके बाद होगा पेटा, इसके बाद होगा पेटा, ये होगा 10^15 और कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद होगा एग्जा, ठीक, 10^18 का होगा ये, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद होगा आपका जेटा, ये 10^3 और ऐड कर दो, 21 होगा और कैपिटल जेड सिंबल होगा। और इसके बाद में होगा योटा, ये होगा 10^24 और इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ आ रहा है, इतने सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो ऐसा यूनिट के आगे लग करके उसका मीनिंग चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करना हो कोई ऐसा बहुत पतला सा थिकनेस है, बहुत छोटा सा चीज है जो आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो आप कहेंगे सर वो नैनोमीटर के रेंज का होगा। हेयर का थिकनेस है सर वो माइक्रोमीटर के रेंज का होगा। समझ आ रहा है ना, इस तरह से छोटे छोटे स्केल में छोटा 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 जो खंड बना रहता है सेंटीमीटर में, वो होता है मिलीमीटर का, है ना। फिर सेंटीमीटर जानते ही हैं, कपड़ा वपड़ा खरीदना होता है तो सेंटीमीटर में और मीटर में कपड़ा खरीदते हैं, राइट। उस तरह से अगर कोई कोई आसपास का डिस्टेंस है तो हम लोग उसको किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, भैया यहाँ से दिल्ली इतना दूर है, यहाँ से मुंबई इतना दूर है, यहाँ से बनारस इतना किलोमीटर दूर है, यहाँ से ढाका से मोतिहारी 26 किलोमीटर दूर है ना। तो ये जो आसपास की डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। देख रहे हैं, मीटर के आगे वो वर्ड लगा हुआ है किलो, अगर इस सबके बाद में लास्ट में अगर मीटर लगा दो तो कैसा हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, ऑटोमीटर, जेटोमीटर और जेटोमीटर, है ना। इस तरह से आप लगाते चल जाएंगे। यहाँ देखिए एग्जामीटर, पेटामीटर, टेरामीटर, गीगामीटर, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ कहानी है आपके एसआई प्रीफिक्स का, एसआई प्रीफिक्स क्यों पढ़ते हैं, है ना, और क्या यूज है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। अपने कॉपी में जरूर मेंशन करेंगे इसको, आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी हमने बात किया सिस्टम ऑफ यूनिट पर और उसके एसआई प्रीफिक्स पर, कौन कौन से एसआई प्रीफिक्स होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको बस ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, उसको आपको थ्रू आउट फॉलो करना है ना। ये कोई नेसेसरी नहीं है बट इसको फॉलो करना आपके लिए अच्छा होता है। देखिए कुछ कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको आप लिख डालिए और बस उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं, है ना। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको ध्यान रखना है। पहला बात इम्पॉर्टेंट नोट में कहता है क्या, कि कभी भी यूनिट का नाम कैपिटल लेटर से नहीं लिखना चाहिए।
ओके क्या कह रहा है ना? हम हिंदी में ही नोट लिख रहे हैं, आप हिंदी में ही मेंशन करना, है ना? क्या चीज़? यूनिट के नाम, ठीक है? कभी भी कैपिटल लेटर्स से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 1 एम्पियर, तो आप इसको हमेशा ऐसा लिखा करें, ये लिखना 1 एम्पियर ऐसे लिखना उचित नहीं होता है। एक अगर इस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तब उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये देखने में बढ़िया नहीं लगता है। ओके हमेशा कैसे लिखना है? यूनिट का नाम हमेशा कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर्स लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट के जो एब्रीविएशन होते हैं उनको भी स्मॉल लेटर में लिखना है। क्या कह रहा है? यूनिट के एब्रीविएशन है ना को भी क्या लिखना है? स्मॉल लेटर से लिखना है, लिखना है यदि यूनिट कोई साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर है, आप ऐसे लिख सकते, साइंटिस्ट के नाम पर है, तब ही एब्रीविएशन है ना कैपिटल लेटर से होगा, कैपिटल लेटर से होगा। क्या मीनिंग है इसका, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है 1 मीटर, ओके, तो इसको, इस मीटर को जो एब्रीविएशन लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, 1 छोटा m, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 न्यूटन, क्या लिखा हुआ है? 1 न्यूटन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो 1 न्यूटन का जो एब्रीविएशन लिखा जाएगा वो 1 कैपिटल N लिखा जाएगा। एब्रीविएशन को देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि एब्रीविएशन भी छोटा ही होता है, लेकिन अगर वो यूनिट का नाम साइंटिस्ट के नाम पर है तो उनको थोड़ा सा इज्जत देने के लिए एब्रीविएशन को कैपिटल लेटर से किया जाएगा। बट इन जनरल नाम भी छोटा सा लिखना है, नाम तो लिखना ही है छोटा से, भले साइंटिस्ट का नाम हो चाहे नहीं हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम तो हमेशा छोटा सा लिखा जाएगा। बट एब्रीविएशन जो है वो भी छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट के नाम का एब्रीविएशन बना रहे हो तो आप उसको कैपिटल लेटर कर दोगे। अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे कोई कहे किलोग्राम, तो किलोग्राम का शॉर्ट आउट क्या बोलोगे आप? छोटा के और छोटा जी। और कोई कहे 1 किलोग्राम, तो ध्यान रखना है यहां तो छोटा के ही होगा, भले साइंटिस्ट का नाम हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बट जब इसका एब्रीविएशन बनाएंगे तो चूंकि ये साइंटिस्ट का नाम तो है नहीं, तो इसका शॉर्टकट होगा KG, हमारा है कैपिटल के नहीं लिखना है। लेकिन अगर यही हो 1 केल्विन, अगर इसमें जगह नहीं है यहां लिखते हैं, अगर इसी में हो 1 केल्विन, तो देखिए ध्यान से, केल्विन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओके? तो देखिए नाम, यूनिट का नाम लिखे तो छोटा के लिखे हैं, बट इसका जब एब्रीविएशन लिखिएगा तो 1 कैपिटल K लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये जो केल्विन है ना साइंटिस्ट नाम पर है, तो सिर्फ उसी एब्रीविएशन को बड़ा लेटर करते हैं। याद रखिएगा बड़ा लेटर सिर्फ एब्रीविएशन में ही आएगा, यूनिट के नाम में तो कभी आएगा ही नहीं, बड़ा लेटर सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन में आएगा, और वो भी तभी आएगा जब वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ऐसा हम लोग देखते हैं इसमें। तीसरा पॉइंट कहता है कि कभी भी यूनिट को प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं लिखा हुआ है ना 5 ग्राम, ओके, तो कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 5 ग्राम्स, ओके? पता नहीं आपका इंग्लिश क्या कहता है, आई डोंट नो, बट यहाँ पर मेंशन रखना, या ध्यान रखना आपको कि इसको 5 ग्राम्स नहीं कहते हैं, ओके? इसको क्या कहेंगे हम लोग? 5 ग्राम कहेंगे, ठीक है? मतलब हम कह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं कि यूनिट को है ना प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, ओके? ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट,
लोग जनरली इसी ग्राम के एब्रीविएशन में गलती करता है ना। कभी भी ग्राम का जो एब्रीविएशन होगा वो छोटा जी लिखा जाएगा, ना कि जीएम। बहुत लोग ऐसा ग्राम जीएम लिख देता है, जीएम नहीं लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग हो जाता है क्या, ग्राम मीटर। समझ में आ रहा आपको? अगर आप जीएम नहीं होता, अरे लोग पुर्जा बनाता है ना घर में, लिस्ट बनाता है, तो लोग अरे 5 ग्राम, और दुकानदार भी बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। बट आप ध्यान रखना है, इसको आपको जीएम लिखना है, 5 ग्राम लिखना है, तो 5G। ओके गुड, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट कह रहा है, पांचवा भी आप ध्यान रखेंगे, जो किलोग्राम होता है ना, इसका भी जो एब्रीविएशन होगा वो छोटा केजी लिखिएगा। कभी भी इसको अगर कैपिटल केजी किए तो जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन ग्राम। ठीक है, तो ये नहीं लिखना चाहिए कभी भी, ये गलत बात होता है। किलोग्राम का एब्रीविएशन हमेशा क्या लिखा जाएगा, केजी, और भी छोटा केजी, क्योंकि किलोग्राम तो कभी भी साइंटिस्ट का नाम है नहीं कि एब्रीविएशन आप बड़ा करोगे। कहीं जो बड़ा किए तो अपने आप में क्या हो जाएगा, ये केल्विन ग्राम हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाता है। ओके, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज के क्लास में हम इतना ही रह देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे डायमेंशन के ऊपर। अभी जो ये 2 लेक्चर हमने इस क्लास में किया, ये बिल्कुल फंडामेंटल लेक्चर है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी आप एक रिविजन कर लीजिए। हमारा जो असली मुद्दा है ना इस चैप्टर का, वो है डायमेंशन, जो बड़ा खूबसूरत है। यहीं से आपका समझिए और सब कुछ बढ़िया से स्टार्ट होने वाला है। तब तक आप देखते रहिए आरसी की वीडियोस। धन्यवाद।